इसके लिए ये देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं और इसके जो स्टिचेस डालेंगे 8 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो यहाँ मैंने 16 और 3 19 फंदे डाले हैं, 8 के मल्टीपल में 16 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। और ये जो पैटर्न है सीधी तरफ से शुरू होगा और 12 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी, एज वाला फंदा आपकी मर्जी है बनाएं या उतारें। मैं इसको उल्टा बना रही हूँ। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और इस तरह से पलट के 2 का 1 करेंगे बैक से, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से 2 का 1 करेंगे। तो हमें इसी को बार बार रिपीट करना है। अब यहाँ देखिए 2, 4, 6 और 8, ये 8 फंदों का पैटर्न है। एक फंदा उल्टा, 2 का 1 करा, एक सीधा, जाली डाली, एक सीधा, फिर से जाली डाली, एक सीधा और 2 का 1 करा। तो अब यहाँ देखिए रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पलट के बैक से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डाली, एक फंदा सीधा और आगे से 2 का 1 करेंगे। और लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक उल्टा और ये एज वाला फंदा। अब पैटर्न की सेकेंड रो है बैक साइड, एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, आपकी मर्जी है तो इसे उतार लीजिए। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें इसी को बार बार रिपीट करना है, एज वाले फंदे को छोड़ के 1 सीधा 7 उल्टे। अब फिर से 1 सीधा 7 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक सीधा और ये एज वाला उल्टा। अब पैटर्न की थर्ड रो है फ्रंट साइड, सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है। एज वाले फंदे को उल्टा बनाया, उसके बाद रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पलट के बैक से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, फिर से सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से 2 का 1 करेंगे। तो हमें इसी को रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, 2 का 1 करा, एक सीधा, जाली डाली, एक सीधा, फिर से जाली डाली और एक सीधा, 2 का 1 करा। अब ये देखिए, एक उल्टा, धागा पीछे, पलट के बैक से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से 2 का 1 करेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक उल्टा और लास्ट एज वाला फंदा। पैटर्न की फोर्थ रो है बैक साइड, सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने सेकेंड रो बनाई है। एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धागा पीछे, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक सीधा और एज वाला उल्टा।
फिफ्थ रो है फ्रंट साइड, सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो बनाई है। एज वाले फंदे को उल्टा बनाया, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पलट के बैक से दो का एक करेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से दो का एक करेंगे। अब रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, हमने क्या करा, एक उल्टा दो का एक करा, एक सीधा जाली डाली, एक सीधा जाली डाली, एक सीधा और दो का एक करा। अब रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, एक उल्टा धागा पीछे, पलट के बैक से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से दो का एक करेंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक उल्टा और एज वाला फंदा। सिक्स्थ रो बैक साइड, सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने सेकेंड और फोर्थ रो बनाई है। एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, एक दो फंदे बचेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। अब हमारी पैटर्न की सेवन्थ रो है फ्रंट साइड, यहाँ अब चेंज होगा, ध्यान से देखिए, एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ पीछे करेंगे, अब एक फंदा सीधा और इस तरह से जाली डालेंगे, पलट के बैक से दो का एक करेंगे, अब ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और आगे से दो का एक करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जाली डालेंगे। तो हमें सेवन्थ रो में इसी को रिपीट करेंगे, ये देखिए, एज वाले फंदे को छोड़ के एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो का एक करा, तीन सीधे, दो का एक करा और जाली डाली, तो ये आठ फंदे हो गए हमारे, देखिए, दो चार छः और आठ। अब हमें इसी को रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और पलट के बैक से दो का एक करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और आगे से दो का एक करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जाली डालेंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक सीधा और एज वाला फंदा उल्टा। एट्थ रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पल ऑल द स्टिचेस, नाइन्थ रो फ्रंट साइड, एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, अब दो फंदे सीधे, एक दो, इस तरह से जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे आगे से, जाली डालेंगे और
एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को बार बार रिपीट करना है। अब ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए, दो फंदे सीधे, जाली डाली, दो का एक करा, और फिर से एक फंदा सीधा, दो का एक करा, जाली डाली और एक फंदा सीधा। अब ये हमारे आठ फंदे हो गए, दो, चार, छः और आठ। तो यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे और पलट के बैक से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा और आगे से दो का एक करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक सीधा और एज वाला फंदा उल्टा। टेंथ रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस, अब 11th रो है फ्रंट साइड, एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, अब तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, इस तरह से जाली डालेंगे। अब ये जो तीन फंदे बचे हैं, तीन का एक करना है इस तरह से, ये दो फंदे हम इस तरह से आगे से उतार लेंगे और ये इस तरह से, और इन दोनों को इसके ऊपर से उतार देंगे। और इस तरह से जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे। तो हमें इसी को रिपीट करना है बार बार। अब यहाँ देखिए, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। अब ये जो तीन फंदे बीच में बचे हैं, और यहाँ इससे पहले जाली डालेंगे और तीन का एक बनाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से उतारे और इन दो फंदों को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक सीधा और लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 12th रो है बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं 12 सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।